इन खतरनाक स्कूल के पनिशमेंट्स के बारे में आप शायद ही जानते थे। ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आपने तोड़ दिया और आपको पता भी नहीं? और ऐसा कौन सा जानवर है जिसे पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है? और जो हम बचपन के खिलौनों से खेलते थे, इनके सीक्रेट के बारे में जानकर आप सच में शॉक होने वाले हो। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो इसे अभी लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 8, 2023 का वर्ल्ड कप तो सबने देखा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे कैमरा एड ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि 2023 के वर्ल्ड कप को कैसे और कहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, जिसमें आप बड़े बड़े कंट्रोल सेंटर और कैमरा डिस्प्ले को देख सकते हो कि वो कितने सारे लगे हैं और किस टाइम पर क्या दिखाना, ये सब इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, जो सच में बहुत मुश्किल लग रहा है। फैक्ट नंबर 7, आखिर ये लकड़ी ग्रेविटी को धूल चटाते हुए पानी के ऊपर कैसे जा रही है? क्या ये जादू है? इस लकड़ी को गरुड़ संजीवनी कहा जाता है, जो हिमालय के पहाड़ियों में पाई जाती है, और अंदर से ये खोखली है और इसकी सांप जैसी बनावट की वजह से ये पानी के धार के उल्टे तरफ चल पाती है। फैक्ट नंबर 6, आखिर आपको ये बात कब पता चली कि 100 और 500 के नोट्स में अगर आप ध्यान से गांधी जी के स्पेक्स के फ्रेम में देखोगे तो आपको भारत लिखा हुआ दिखाई देगा? इतना ही नहीं, सेम इसी तरह 2000 के नोट में भी आप RBI लिखा हुआ देख सकते हो। वैसे आपके पास 2000 के नोट अभी भी है? मेरे पास तो नहीं है। फैक्ट नंबर 5, भाई ये जानवर इंसान से कम नहीं, ये छोटे से जानवर से इंसानों की एक क्वालिटी मैच होती है। जैसे इंसानों को स्पाइसी खाना पसंद है, वैसे ही ये ट्री शो भी जानबूझकर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, मतलब पानी पूरी जैसा तीखा खाना इनको पसंद आ सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट इंसान कौन है? अगर नहीं तो बता दूं कि वो थे आप, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हर सेकंड 4.3 बर्थ्स होते हैं। तो आप जैसे ही पैदा हुए तो इसके कुछ मिली सेकंड बाद ही कोई आसमान से फिर से टपक गया। फैक्ट नंबर 3, ये जापानीज बंदर दुनिया में शायद सबसे मजे ले रहे हैं। जापान के यकुशिमा आइलैंड पर मकुआ नाम के बंदर रहते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में नहाते हैं और मजे लेने के लिए स्नोबॉल फाइट करते हैं। और ये बस ट्रेलर था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डियर के ऊपर बैठकर जाते हैं, जिसके बदले में ये डियर की साफ सफाई और उसके साथ अपना खाना शेयर करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आखिर कैसे सिर्फ एक गलती के वजह से आज छोटे बच्चों के बैंक को पिग्गी बैंक कहा जाता है? 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जब मेटल के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब एक पीग नाम की मिट्टी आती थी जिसके वो बर्तन बनाए करते थे, और इसी में वो पैसे भी रखते थे, और जिन पॉट्स में सिर्फ पैसे रखा जाता था उन्हें पिग्गी पॉट्स कहा जाता था। और क्योंकि पहले की इंग्लिश आज से बहुत ज्यादा अलग थी, इसी वजह से जब यूरोपियन से पिग पॉट्स और पिग बैंक्स बनाने की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने उसे पिग की शेप में ही बना दिया और लोगों ने उसे आराम से एक्सेप्ट भी कर लिया, जिस वजह से इसे आज तक पिग्गी बैंक ही कहा जाता है, न कि कुत्ता या डायनासोर। क्या आप जानते हो कि रूबिक्स क्यूब कभी सॉल्व होने के लिए नहीं बना था? रूबिक क्यूब की स्टार्टिंग होती है 1974 में, जिसे हंगरी के एक प्रोफेसर अर्नो रूबिक ने बनाया था। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिसे बच्चों को 3D शेप्स इजीली समझाया जाए, लेकिन जब उन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया था तब उन्हें नहीं लगता था कि ये कभी सॉल्व भी हो पाएगा, लेकिन महीनों बाद उन्होंने दुनिया का सबसे पहला रूबिक क्यूब सॉल्व किया था, जिसके बाद इसे शॉप्स पर सेल के लिए लगाने लगे और इसका क्रेज आज तक इतना बढ़ गया है कि इसके टूर्नामेंट भी होते हैं जिसमें कुछ सेकेंड्स में ही इसे सॉल्व कर देते हैं। पोकेमोन कार्ड से आप में से कई लोगों ने खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हो इसका वो पर्पस नहीं था जिसके लिए इसे बनाया गया था? पोकेमोन कार्ड्स को ओरिजिनली बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कार्ड फर्स्ट ट्रेडिंग और कलेक्शन के लिए यूज किया गया, जिससे इनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2021 में एक यूट्यूबर लोगन पॉल ने पिकाचू के कार्ड को 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। फैक्ट नंबर 1, आप सभी जानते हो स्कूल्स हमारे लिए कितने ज्यादा मजेदार होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किस वजह से वो मजेदार होता है? अगर नहीं तो वो रीजन है फ्रेंड्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही हमें मजे आते थे, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा स्कूल है जहां आपको फ्रेंड्स बनाने की परमिशन ही नहीं है। यूके के कुछ स्कूल्स में बच्चों को बेस्ट फ्रेंड्स बनाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, क्योंकि इन स्कूल्स के अकॉर्डिंग अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो वो अपना फोकस स्टडी से हटाकर बाकी चीजों पर ज्यादा लगाते हैं। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। इस स्कूल में आपको जबरदस्ती हंसने पर मजबूर किया जाता है। नॉर्थर्न लेबन स्कूल्स में बच्चों को जबरदस्ती हंसना पड़ता है जब भी वो स्कूल के हॉल में जा रहे होते हैं। अपने क्लास के बीच में 15 साल की एक स्टूडेंट ने ये भी कहा, जो स्टूडेंट इन स्कूल्स में हॉल में स्माइल करते हुए नहीं दिखते उन्हें तुरंत ही ऑफिस में बुलाया जाता है और उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें स्कूल से बाहर तक निकाला जा सकता है। और क्या आप जानते हो, इलेक्शन सिर्फ अपना लीडर सेलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है। फ्लोरिडा के किंडरगार्टन में एलेक्स नाम का एक बच्चा था,
जिसके टीचर ने बाकी बच्चों से कहा था कि एलेक से जाकर बताओ तुम्हें उसे नफरत क्यों है। फिर सारे बच्चे ने उसे बहुत उल्टा सीधा बोला। उसके बाद टीचर ने वोटिंग कराई कि कौन कौन एलेक्स को क्लास में नहीं देखना चाहता। इन सब के बाद पता चला कि एलेक्स को एक बीमारी थी जिस वजह से वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन स्कूल के इस इंसिडेंट के बारे में जैसे ही एलेक्स के पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने स्कूल पर केस कर दिया, जिसके कॉम्पेंसेशन में उन्हें $3.5 लाख मिले। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस 6 साल के बच्चे के साथ स्कूल में ऐसा कैसे हो गया। ये इंसिडेंट फ्लोरिडा में रहने वाली एक 6 साल की लड़की का है जिसे पागलखाने भेज दिया गया था, जिसे पूरा इंटरनेट शॉक हो गया था। इस लड़की के माँ ने मीडिया से कहा कि उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि उनकी बेटी के लिए स्कूल ने इतना खतरनाक कदम कैसे उठा लिया। स्कूल ऑफिशियल्स ने कहा कि उस लड़की की हरकतें कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए उन्होंने उसे पागलखाने भेजना सही समझा, जिसके लिए उन्होंने एक थर्ड पार्टी डॉक्टर से लाइसेंस भी बनवाया था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।